नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के बीच शिखर वार्ता, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण, जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर बोले गृहमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक, 25,000 सरकारी नौकरियों के प्रस्ताव को मंजूरी, भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में 10 विधायक हुए शामिल, उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। उपराष्ट्रपति की लोगों से औपनिवेशिक मानसिकता त्यागने की अपील, हरिद्वार में एसएआईपीआर के उद्घाटन समारोह में संबोधन, शिक्षा के क्षेत्र में भारत की गौरवशाली परंपरा को बहाल करने की बताई जरूरत। और यूक्रेन और रूस के बीच 10 मानवीय गलियारों पर बनी सहमति, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा मॉस्को को पीढ़ियों तक युद्ध की चुकानी होगी कीमत, 32 लाख से अधिक लोगों का पलायन। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने आसनसोल लोकसभा सीट के लिए विधायक अग्नि मित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट के लिए किया घोष को टिकट दिया गया है। बिहार में बोझहां सीट से बेबी कुमारी और महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से सत्यजीत नाना शिवाजी राव कदम को मैदान में उतारा गया है। इन सीटों पर उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस ने भूपेन कुमार बोरा को असम से कैंडिडेट बनाया है। उन्होंने दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामित करने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और जीतने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के 8 लोगों को 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया है। बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी देने वाली अधिसूचना 15 मार्च को जारी की गई थी। मनोज सिन्हा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले मेले का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,075 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3,383 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप से संक्रमण के काफी मामले हैं। चीन में संक्रमण के 2,157 नए मामले सामने आए, जो संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक पुनीत तलवार को मोराको में देश का राजदूत नामित किया है। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हैं। पुनीत तलवार ने विदेश मंत्रालय, व्हाइट हाउस और संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े पदों पर काम किया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश में 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से पहली बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। उन्होंने दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके 21 मार्च तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद यह 22 मार्च तक उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के तट से टकराएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। शीर्ष भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हमवतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हराकर 8वां खिताब अपने नाम किया। यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है।
और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने समेत अलग अलग मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर गहन चर्चा की। वार्ता के एजेंडे में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल थे। जापान ने $100 मिलियन की आपात मानवीय सहायता की घोषणा की है। इस दौरान 6 सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी के बीच आर्थिक साझेदारी में प्रगति हुई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रगति, समृद्धि और साझेदारी भारत जापान संबंधों के आधार हैं। हम भारत में जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएससी भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $1.8 ट्रिलियन के 9,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियां पूरे जोश के साथ हिस्सा लेगी और इसके लिए मैं हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। जापान सरकार के प्रमुख के तौर पर फुमियो किशिदा की पहली भारत यात्रा है। भारत जापान के बीच पिछली वार्षिक शिखर बैठक अक्टूबर 2018 में टोक्यो में हुई थी। साल 2020 और 21 में कोरोना वायरस महामारी के चलते ये शिखर बैठक नहीं हो सकी थी। और फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन फोन लाइन पर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम समझ सकते हैं जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्टूबर में वो बने थे फुमियो किशिदा, उसके बाद बायलैटरल विजिट के लिए भारत को चुना जाना अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। किस तरह शिखर वार्ता को आप देखते हैं, कितने अहम समझौते हुए इस दौरान? निश्चित तौर पर प्रीति, एक बहुत ही अहम यात्रा है, और खास करके इसलिए कि जब जापान के प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा बायलेटरल आधार, द्विपक्षीय आधार पे भारत को चुनते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पुराना संबंध था, खास करके शिंजो आबे के समय में भारत और जापान के संबंध काफी ऊंचाई पर थे और 3.5 ट्रिलियन येन की जो निवेश थी वह निवेश का लक्ष्य पूरा हो गया और अब 5 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 सालों के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अहम यात्रा है और इस यात्रा में जो अभी जो समझौते हुए, इसमें खासतौर पर मैं बता दूं कि एक जो बहुत ही अहम है वो सुजुकी और गुजरात सरकार के बीच में एक बिजनेस फोरम के बीच में एक समझौता हुआ और उसमें खासतौर पर जो ग्रीन कार बनाए जाएंगे, ग्रीन कार का निर्माण गुजरात में हो गया। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के दौरान भारत और जापान के बीच में इस तरह का सहयोग भारत और जापान दोनों की प्रतिबद्धता को आता है। उसके अलावा दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है वह है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच एक रोड मैप की तैयारी की गई है। तो उस रोड मैप के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे को और किस तरीके से इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और खास करके भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में किस तरह से जापान और भारत सहयोग कर सकते हैं, यह एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। तो इस तरह से कुल 6 समझौते हुए हैं और एक समझौता गुजरात सरकार और सुजुकी के बीच में, तो 7 समझौते हुए। उसके अलावा एक 8वां कह सकते हैं कि भारत जापान ज्वाइंट स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर किया गया। तो निश्चित तौर पे जापान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान के पास जो तकनीक है, जापान के पास जो कैपिटल है, पूंजी है, और भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, स्किल्ड लेबर फोर्स है, हमारे पास इंजीनियर है, उन दोनों का मिलन आगे आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस लिहाज से इस शिखर सम्मेलन को मैं देखता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और जाहिर तौर पर 3.5 साल बाद भारत और जापान के बीच शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस दौरान दुनिया में भी तेजी से हालात बदले हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो सहयोग और संबंध है वो अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाते हैं। और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फुमियो किशिदा की अगवानी की। जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद किशिदा की ये पहली भारत यात्रा है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा स्थिति में सुधार, 2018 में हुई 417 आतंकी घटनाएं कम होकर 2021 में 229 होने और 2018 में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या 91 से घटकर 2021 में 42 होने की बात कही। अमित शाह ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों और उन्हें सुरक्षित पनागाह या वित्तीय सहायता से वंचित करने पर जोर दिया है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। अमित शाह ने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया। भ्रष्ट लोगों को नश्यत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज चंडीगढ़ में हुई। बैठक में सरकारी नौकरियों पर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद भगवंत मान ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने कुल 25,000 सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को पारित किया है। 25,000 सरकारी नौकरियां, उदा जिहड़ा एजेंडा वो जिहड़ा कैबिनेट दे विच अज पास होया है, जिहदे विच 10,000 पंजाब पुलिस दे विच ने अलग अलग अहुदियां ते अते 15,000 अलग अलग गौरमेंट के डिपार्टमेंट बोर्ड के कारपोरेशन च ने। जिन्नियां भी नौकरियां मिलनगियां वो डिग्री मुताबक मिलनगियां, जिहड़ा जिन्ना पढ़िया होया है, जिन्हें जिन्नी वड्डी डिग्री ली है उन्हें उड्डी वड्डी नौकरी मिलू। कोई भेदभाव जां कोई सिफारिश जां रिश्वत नहीं चलूगी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पंजाब भवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह मीत हेयर को छोड़कर 8 पहली बार विधायक बने हैं। कैबिनेट में पार्टी ने मालवा से 5, माझा से 4 और दुआबा क्षेत्र से 1 विधायक को प्रतिनिधित्व दिया है। कैबिनेट में 4 उन विधायकों को जगह दी गई है जो सुरक्षित सीटों धीरबा, जंडियाला, मलोट और भुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैबिनेट ने एकमात्र महिला और मलोट से विधायक डॉक्टर बलजीत कौर ने शपथ ली। हालांकि कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल और पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह समेत दिग्गजों को हराने वाले विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। प्रदेश में फिर से गठित हो रही बीजेपी नीत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च की शाम 4 बजे राजधानी में शहीद पथ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 75,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए देहरादून में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की उम्मीद है। उत्तराखंड के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले रविवार को या फिर उसी दिन देहरादून पहुंच सकते हैं।
नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों और महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल किए जाने की भी चर्चा है। G23 नेताओं पर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी से मुलाकात एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आजाद ने कहा है कि वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद लगातार हुई G23 समूह की बैठक ने कांग्रेस के अंदर खलबली पैदा कर दी है। उन्होंने बहुत ही एक सभी को जो वहाँ सिग्नेटरीज थे उनसे भी उन्होंने बातचीत करके उसके बाद में सोनिया गांधी जी से मिल के अब बहुत सी बातें उन्होंने की है और पार्टी को एक रखने की बात उन्होंने की है, इसीलिए वो पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के लोगों से कहा है कि वो औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागें और अपनी पहचान पर गर्व करना सीखें। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया शांति और सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में हमें अपनी जड़ों की ओर वापस जाना चाहिए, हमें अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागना चाहिए और बच्चों को अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करना सिखाना चाहिए। हमें जितना संभव हो भारतीय भाषाएं सीखनी होंगी, हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना होगा। युवाओं को अपनी मातृभाषा का प्रचार करने के लिए उपराष्ट्रपति ने प्रोत्साहित किया और कहा कि सभी गजट अधिसूचनाएं संबंधित राज्य की मातृभाषा में जारी की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का भारतीकरण भारत की नई शिक्षा नीति का केंद्र है, जो मातृभाषाओं को बढ़ावा देने पर बहुत जोर देती है। भगवान बुद्ध जी का निर्देश है, अपदीपो भवा, खुद दीप्त हो। शिक्षा के दिव्य प्रकाश में ही व्यक्ति खुद को खोज पाता है, समाज के प्रति स्वस्थ नजरिया विकसित कर पाता है, तभी वह समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार तमाम राज्यवार खबरें और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swarup, only on Sunset TV. Desh ke bhitar mudde hazar, Sansad mein हर मुद्दे पर गंभीर विचार। वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राज्यवार खबरों की। तमिलनाडु सरकार में मंत्री M.R.K. पनीरसेल्वम ने आज विधानसभा में राज्य का कृषि बजट पेश किया। कुल 33,000 करोड़ रुपए के बजट में से 2,546 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के लिए आवंटित की गई है। बजट में अगले वर्ष 126 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की उम्मीद जताई गई है। नागालैंड विधानसभा का एक सप्ताह का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने अपने अभिभाषण में नए नगा समस्या के शीघ्र राजनीतिक समाधान के लिए विपक्ष रहित सरकार के गठन पर सदन के सदस्यों की एकजुटता की सराहना की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदे अस्पताल में रायसेन संघर्ष में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि दो लोग जख्मी हुए थे। सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के घंटाघर पर आयोजित भगवान नरसिंह की पारंपरिक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और रंग गुलाल और फूलों की होली खेली। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें संदेश देता है कि अगर हम सामूहिक रूप से चुनौतियों का सामना करें तो विजयी बनेंगे। कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागढ़ के नजदीक एक यात्री बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 60 लोग सवार थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर दुख जताया है। असम स्थित काजीनगर नेशनल पार्क में साल 2021-22 के दौरान कुल 2,20,000 पर्यटक पहुंचे जो पिछले 12 साल के दौरान सर्वाधिक संख्या है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2 साल के दौरान कोविड-19 और इससे संबंधित प्रतिबंधों के कारण कमी दर्ज की गई थी। देश के कई हिस्सों में आज भी होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज होली मनाई गई। लोग रंगों के त्यौहार होली की मस्ती में डूबे दिखाई दिए। पिछले साल कोविड-19 के कारण होली फीकी नजर आई थी और इस कारण इस साल लोगों में होली को लेकर पूरा उत्साह दिखा। राजस्थान के कई इलाकों में तेज गर्मी जारी है। यहां बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। प्रदेश में कई दिनों से गर्म और तेज हवाएं और लू चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड के संचालन के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं श्रीनगर करगिल मार्ग 2 महीने बाद खुल गया है। इस मार्ग पर आज से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। कुछ और अहम खबरें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि वैश्विक और गैर भेदभावकारी निरस्त्रीकरण संधि होने के कारण भारत इसे बहुत अहम मानता है। इस निरस्त्रीकरण संधि के तहत जैव रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच ताजा दौर की राजनयिक बातचीत का स्वागत किया। इस संकट का समाधान शत्रुतापूर्ण रवैये को तुरंत समाप्त करने और बातचीत और राजनयिक समाधान का मार्ग अपनाने से ही हो सकता है। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच 10 मानवीय गलियारों पर सहमति बनी है। इनमें मारियुपोल, कीव के बहुत से क्षेत्र और लुहांस के इलाके भी शामिल हैं। हालांकि खेरसोन शहर तक भी मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना की घोषणा हुई है जो अभी रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रात को दिए अपने वीडियो संदेश में कहा कि रूस की सेनाएं बड़े शहरों तक हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस मध्य और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहरों तक आपूर्ति को रोक रहा है। रूस की सेनाओं से घिरे शहर मारियुपोल में यूक्रेन और रूस की सेनाएं अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए संघर्ष कर रही हैं जो कि यूरोप में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। मारियुपोल पर रूस का नियंत्रण होने के साथ ही अजोव सागर तक यूक्रेन की पहुंच समाप्त हो गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से यूरोप दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि 32 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। 1/4 आबादी को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली एजेंसी के अनुसार अब तक 15 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं स्वर्ण मंदिर में चल रहे होला मोहल्ला उत्सव की तस्वीरों के साथ। आप देखिए इसकी झलकियां और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।